हनुमानगढ़ पुलिस के द्वारा नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत 1 किलो 956 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम सहित 2 अभियुक्तगण को किया है गिरफ्तार और 1 कार भी उनसे की गई है जब्त। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर नशे के विरुद्ध अभियान के रूप में लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है। पुलिस चौकी जाखड़ावाड़ी क्षेत्र के अंदर दिनांक 15/10/2024 को रात्रि को मुकेश कुमार उप निरीक्षक में टीम द्वारा अभियुक्तगण जेठाराम उर्फ जगदीश व कानाराम चौधरी को 1 किलो 956 ग्राम अफीम कार सहित गिरफ्तार कर प्रकरण 594/2024 धारा 8/18 NDPS एक्ट में दर्ज कर इसका अनुसंधान भूप सिंह सारण पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी को सौंपा गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इस नशे के सौदागरों को पकड़ने की बात करें तो इसके अंदर मुकेश उपनिरीक्षक व अन्य साथियों का इसमें पूर्ण सहयोग रहा है। नशे के जो सौदागर पकड़े गए हैं जेठाराम उर्फ जगदीश पुत्र धन्नाराम जाट उम्र 29 साल निवासी हथौड़ी पुलिस थाना खेड़ापा जिला जोधपुर है। दूसरे शख्स हैं कानाराम चौधरी पुत्र डालूराम जाट उम्र 31 साल निवासी सियोवतों की डाणी चांदरक पुलिस थाना खेड़ापा जिला जोधपुर, दोनों यानी जोधपुर के रहने वाले जो कि यहां पर सप्लाई देने आए थे और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। जांच अब आगे बढ़ेगी और इनसे पूछताछ करने के बाद पता चलेगा कि किसको सप्लाई देने आए थे और कब से इस धंधे के अंदर ये जुड़े हुए हैं। तमाम ऐसी बातों का खुलासा पुलिस के द्वारा जाँच करने के बाद किया जाएगा। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।